मल्टीप्लेयर्स में खेल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो गाइस मैं बता दूं, बीजीएमआई ने काफी सारे आईडी को विदाउट एनी रीजन बैन कर दिया था, तो उसको मैंने अनबैन करने के लिए वीडियो बना दी थी और सारे बंदों की आईडी लगभग अनबैन भी हो गई। उसका वीडियो तुम स्क्रीन पर देख भी सकते हो, चाहो तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो बाद में देख लेना। बट जिनकी आईडी अनबैन हो गई वो आईडी का मेरिट कम हो गया। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग मेरिट को इंक्रीज कर सकते हो और विदाउट एनी प्रॉब्लम अपना मल्टीप्लेयर एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं अपने लॉबी के अंदर, लेकिन भाई मेरिट बनाने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार, क्योंकि लगभग 5K सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज है यार, और तुम लोग चाहोगे तो कब नहीं हो जाएगा 5K, तुरंत ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। तो भाई फट से सब्सक्राइब कर लो। और सबसे पहले भाई हम लोग चल लेते हैं मेरिट सिस्टम में, और सबसे पहले भाई मैं तुमको दिखा देता हूँ कि रूल्स क्या होते हैं मेरिट के और मेरिट बेसिकली कटता क्यों है, क्योंकि भाई जब तक तुम बेसिक तरीके से जानोगे नहीं ना, तब तक भाई तुम बढ़ाने का लिटरली ये ट्रिक काम भी नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले भाई कोड ऑफ कंडक्ट में चल लेते हैं, और कोड ऑफ कंडक्ट में देख सकते हो काफी सारे यहाँ पे रीजन होते हैं, जिसमें सबसे लास्ट वाला रीजन सबसे मेन होता है एक्सप्लोडिंग बग। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम बग्स एक्सपोर्ट करते हो ना गेम में, ऐसे ऐसे फाइल लगाते हो जिससे गेम ग्लिची हो जाता है, कुछ ग्लिच यूज करके पीपी में आर पार देखते हो दीवार के ऐसा कुछ, या फिर अनफेयर कोऑपरेशन हो गया, चीटिंग हो गया थर्ड पार्टी से, ये सब अगर करते हो तो भाई मेरिट कटेगा। और भाई साथ साथ में यहाँ पे अगर टीममेट्स को तुम नुकसान पहुंचाते हो, नेट फेंकते हो, मोली फेंकते हो उनपे, या फिर अगर तुम उनको स्पॉन आइलैंड पे या फिर बीच मैच में छोड़ के एग्जिट मार देते हो, तो इन सब रीजन के वजह से तुम्हारा मेरिट कटता है। तुम्हारा टीयर जितना हाई होता है ना उतना ज्यादा मेरिट कटता है, और कितने बार तो भाई अगर तुम 2-3 बार स्पॉन आइलैंड से एग्जिट मार दो तो तुम्हारा 1 घंटे तक बैन भी दे देता है। मेरे साथ भी ये सीन हो रखा है। तो भाई लिटरली ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, और साथ साथ में अगर तुम गलत लैंग्वेज का वॉयलेशन वाला लैंग्वेज यूज करते हो फिर भी तुम्हारे यहाँ पे मेरिट काट दिया जाएगा और तुमको म्यूट भी कर दिया जाएगा, और बाकी सारे भी बहुत सारे यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट में है। तो भाई इन सब की वजह से तुम्हारा मेरिट कटता है। बट आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा इसको तेजी में इंक्रीज कैसे कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं 0 से 19 वाले के लिए, मेरिट वालों के लिए। तो भाई उनका मेरिट बहुत खराब है, उनको एक्सपी और बीपी दोनों में 90% का रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो भाई इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, आप जाओ यहाँ पे क्लिक करो और अनरैंक में जाओ और अदर सेक्शन में चले जाना, बाकी कहीं भी आपको कुछ भी में नहीं जाना है। अदर सेक्शन में वर्सेस एआई मोड को आपको हार्ड पे खेलना है, ठीक है, हार्ड पे खेलना है और चिकन डिनर निकालना है। चिकन डिनर निकालोगे हार्ड पे खेल के 2-2 का प्लस मिलेगा मेरिट में, और भाई 10 मैचेस में तुम्हारा ये जो स्टेज है ना 0 से 19 वाला वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, काफी सारे बंदों का 0 से स्टार्ट होता है, तो भाई सबसे पहले तुमको वर्सेस एआई 2 दिन तक खेलना होगा, तुम्हारा मेरिट यहाँ पे 20 से ऊपर हो जाएगा। और 20 से ऊपर होने के बाद भाई यहाँ पे आता है मेन ट्रिक। सबसे पहले तो तुमने ये वाला काम कर लिया, तुमने अपना 20 तक कर लिया मेरिट तुमको वर्सेस एआई खेल खेल के, उसके बाद भाई जब 20 से लेकर के और भाई 59 तक इतना ज्यादा जो लंबा वाला डिस्टेंस है ना, ये कंसीडर किया जाता है वेरी पुअर मेरिट में, ठीक है, क्वाइट बैड मेरिट में, और इस पे तुम्हारी एएक्सपी और बीपी की रेटिंग जो होती है 70% रिड्यूस हो जाती है, और यहाँ तुम कोई भी मल्टीप्लेयर मोड या फिर कोई भी रैंक्ड नहीं खेल सकते हो। यानी कि भाई ना तुम्हारा रैंक अप होगा और ना ही तुम मल्टीप्लेयर खेल पाओगे, अपने दोस्तों के साथ भी नहीं खेल पाओगे। तो भाई यहाँ पे तुमको अनरैंक के अंदर आना है, और यहाँ पे अनरैंक के अंदर तुमको लिविक या फिर नूसा सोलो में लगाना है, सोलो में लिविक या फिर नूसा लगाना है, नोट माई वर्ड्स, नूसा लगाओगे ज्यादा फायदेमंद होगा। भाई तुमको टॉप 10 आना है, टॉप 10 हर मैच में आओगे तुमको 1 मेरिट का प्लस मिलेगा, और 2-3 किल के साथ अगर तुम टॉप 3 आ जाते हो तुमको 2 मेरिट का यहाँ पे प्लस मिल जाने वाला है, लिविक और नूसा दोनों में। इरेंगल मत खेलना, इरेंगल खेलोगे भाई बहुत बेकार जाएगा, अगर तुम 50 टॉप 50 में भी मरोगे तो तुमको प्लस नहीं देखने को मिलेगा। तो भाई लिविक या फिर नूसा खेलना, यहाँ पे इजी 2-2 प्लस करके तुम इजी अपने मेरिट को बूस्ट करोगे। और जब यहाँ पे 20 वाला क्राइटेरिया से 59 वाला कंप्लीट हो जाए तो आता है भाई 60 to 79, जो कि लास्ट स्टेज होता है मेरिट खराब का, जिसमें भाई सबसे इजी तरीका होता है तुमको मेरिट कंप्लीट करने का सोलो रैंक पुश। मान लो तुमको सोलो रैंक पुश करना है, चाहे तुम एफपीपी में करो या फिर टीपीपी में करो, अगर तुम्हारा मेरिट 60 से 79% के बीच में था, तुमको एक तो 50 बीपी और एक्सपी की अर्निंग होगी, और तुम्हारे यहाँ पे अनरैंक खेलना यहाँ पे ऑन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भाई मल्टीप्लेयर तुम अभी भी नहीं खेल पाओगे, ठीक है, क्योंकि भाई तुमने टीममेट को हार्म किया या फिर हैक किया तभी जाकर तुम्हारा ऐसा सीन हुआ है। तो भाई सिंपली तुमको यहाँ पे रैंक्ड में सोलो में इरेंगल नहीं खेलना है, नोट माई वर्ड्स, इरेंगल नहीं खेलना है, लिविक या फिर नूसा खेलना है। रैंक पुश अगर करना चाहोगे तो इरेंगल खेल लेना भाई, फायदेमंद होगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगर रैंक पुश नहीं, मेरिट तेजी में बढ़ाना है
तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा लिविक या फिर नूसा मैप खेल लो, उसमें भाई तुम ट्राई करो सोलो में टॉप 5 आने का, तुमको 2K+ इजी देखने को मिल जाएगा। और भाई तुम 10 मैचेस के अंदर यहाँ पे 79 तक पहुंच जाओगे, 80 तक पहुंच जाओगे, और 80 तक आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मेरिट अच्छा है, तुम अच्छे से खेलोगे, सबके साथ खेलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और भाई लिटरली यही ट्रिक था कि भाई अगर तुम 0 से 19 तक हो तो वर्सेस AI में हार्ड वाला मोड खेलो, तुम्हारा तेजी में प्लस होगा। सेकेंड अगर तुम 20 से 59 तक हो, ठीक है, तब तुमको यहाँ पे अनरैंक्ड में नूसा या फिर लिविक खेलना है सोलो में, और भाई यहाँ पे तुमको इजी प्लस देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम यहाँ पे 60 to 79 हो तब तुमको यहाँ पे रैंक्ड में सोलो में लिविक या फिर नूसा खेलना है, अगर तुमको मेरिट बढ़ाना है और रैंक पुश करना है तो इरेंगल खेलना है, ठीक है। और भाई लिटरली ये अगर तुम ट्रिक फॉलो करो जो मैंने तुमको इस वीडियो में बताया, तो तुम्हारा 110% यहाँ पे मेरिट तेजी में बढ़ जाएगा। और भाई लिटरली तुमको 6 से 7 दिन लगेंगे तुम्हारे मेरिट को 0 से 80, या फिर अगर 40 है तो भाई तुमको 4 दिन 5 दिन लगेंगे तुमको 80 तक करने में, और 80 के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फटाक से जाओ, जो ट्रिक बताया वो ट्रिक को फॉलो करो, अपनी मेरिट को इंक्रीज कर लो। आज हमारे काफी भाइयों ने कमेंट्स में बोला था कि भाई मेरिट पे वीडियो ला दो, तो लो भाई तुम्हारे लिए मैंने ला दी है। और भाई इसी तरह तुमको अगर कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज से बता दो मुझे कमेंट्स में, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर अगर तुमको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर, सेव नाड़ा।